वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मूवी क्विक जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हमेशा सिर्फ जब आप अपने यूपीआई को ऐड करते हुए होते हैं तो वहाँ पर दिखाता है फिशिंग अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या एरर होता है, बस ये घूमता ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब मतलब कि फिचिंग होता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है बैंक के थ्रू और आपके सिम के थ्रू। ठीक है, जब ये प्रोसेस होता है तो उस सिचुएशन में जो आपके यहाँ पर फ़ोन से एक मैसेज जाता है और वो वहाँ पर रिसीव होना चाहिए उस सिचुएशन में, क्योंकि जब आप मैसेज यहाँ से करते हैं तो अगर वो रिसीव नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आपको फिशिंग अकाउंट का ही इशू बस यहाँ पर दिखाएगा। तो आपको उसको सोल्यूशन मतलब कि क्यों नहीं जा पा रहा फिर, अगर आप यहाँ से मैसेज आप फिशिंग अकाउंट करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर चार्ज होता है बैंक का, जो मतलब कि एसएमएस करने का जो चार्ज होता है वो बैंक अलग से काटता है। बैंक नहीं काटता लेकिन कस्टमर सर्विस वाले काटते हैं उसको 1 रुपया। अभी आपके अनलिमिटेड पर नहीं डिपेंड करता है, अगर ये मैसेज नहीं जा पाता है वहाँ पर तो यही इशू बार बार आता रहेगा। तो उसको कैसे आप सोल्व करें, तो उस सिचुएशन में आप अनलिमिटेड का रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अनलिमिटेड का कराइए, उसमें 100 SMS मिलते हैं, लेकिन उन 100 SMS को ख़त्म मत करिएगा। अगर आप ख़त्म कर देंगे उन 100 SMS को तो आपको जो है वो नहीं जा पाएंगे, या फिर अगर आपके 100 मैसेजेस ख़त्म हो जाते हैं मतलब कि वो 100 SMS जो हैं ख़त्म हो जाते तो इसी तरीके का इशू दिखाई देगा आपको। और अगर आप रिचार्ज नहीं कराते तो 129 रुपये से ऊपर का तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास मेन बैलेंस है 1 रुपया तो उससे कर पाएंगे, तो बिल्कुल हाँ उससे कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ वैलिडिटी भी होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी आपके पास नहीं है, सिर्फ मैसेज के बैलेंस है तो वो नहीं चल पाएगा, आपको टॉक टाइम प्लस बैलेंस दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और में जाकर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के मैसेज रहते हैं जो यहाँ पर नहीं जा पाते, तो इस चीज़ को आपको चेक कर लेना है कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद आपके प्ले स्टोर में जाइएगा और मोबीक्विक सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और ये रही हमारी मोबीक्विक, अगर इसमें अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।